गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ना अभी वॉल्टर मॉडल्स को समझा। अब हम इसकी प्रॉब्लम करते हैं, जरा पढ़ें। एक्स वाई जेड लिमिटेड विच अर्न रुपीज 10 पर शेयर इज कैपिटलाइज्ड एट 10% एंड हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12%। डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ एट दैट पॉइंट। फ्रेंड्स, हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में 10 पर शेयर है और जो के ई है वो आपका 10% है, आर आपका 12% है। अब हमने अभी डिविडेंड जो वॉल्टर मॉडल पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि अगर हमारा आर के ई से ज़्यादा है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? जीरो। तो हम लिखेंगे सिंस आर इज ग्रेटर देन के ई, ऑप्टिमम डीपी क्या है? जीरो। ये हमारा वॉल्टर मॉडल कहता है, ठीक है। सो प्राइस P इज इक्वल टू होता है D प्लस E माइनस D R अपॉन के ई अपॉन के ई। तो जीरो जीरो प्लस 10 माइनस जीरो इंटू 0.12 अपॉइंट 0.10, ठीक है जी। तो करें तो P इज इक्वल टू 10 इंटू 1.2 अपॉन 0.1, दैट कम्स टू 120। तो प्राइस आ गई हमारी 120, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। नेट प्रॉफिट दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रखी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42। इसमें लिखा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं ठीक कर देता हूँ। व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट ₹42 यूजिंग वॉल्टर मॉडल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आपसे, इन्होंने शेयर प्राइस भी पूछ ली है, तो उसके हिसाब से हम कर देते हैं। चलिए डाटा को पढ़ दें, लिख लेते हैं। हमारी के ई कितनी है? के ई हमारी 16% और आर हमारा है 20%। के ई हमारा 16% है, आर हमारा 20% है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है सिंस आर इज ग्रेटर देन के ई, ऑप्टिमम डीपी शुड बी 0%। ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। इन्होंने बोला व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट डीपी रेशियो। सो हम लिखेंगे गिवन है पी इज इक्वल टू है 42। सो हमें निकालना है
डिविडेंड निकालना है, डीपी रेशियो निकालना है, तो लिखेंगे एज पर वॉल्टर पी इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के ई अपॉन के ई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के ई अपॉन के ई। सो यहां पर ई निकालना है, अर्निंग पर शेयर हमारी कितनी है, अर्निंग दे रखी है हमारी 30 लाख रुपए, क्वेश्चन में दे रखा है 30 लाख रुपए, और तो हम इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कम करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12 लाख रुपए। तो अर्निंग जो इक्विटी शेयर्स को आएगी वो आएगी 18 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हैं 3 लाख रुपए, तो ईपीएस आ गई हमारी 6 रुपीज। तो अब अप्लाई करते हैं, पी इज इक्वल टू डी प्लस 6 माइनस डी इंटू 0.2 अपॉन 0.16 अपॉन 0.16, दैट इज 42 इज इक्वल टू डी प्लस 6 माइनस डी इंटू 1.25 अपॉन 0.16। तो इससे निकलता है हमारा 3.12। सो डी पी रेशियो क्या आया, डिविडेंड अपॉन अर्निंग 3.12 अपॉन 6, दैट इज 52%। तो यानी कि अगर मैं डी पी रेशो 52% रखूँगा तो मेरी शेयर प्राइस आपकी 42 रुपीज़ आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा है गॉर्डन मॉडल का, ठीक है जी। अगला कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं गॉर्डन मॉडल। और इसको ये कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। गॉर्डन मॉडल का जो बेस कंसेप्ट है वो ये कहते हैं, वो कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू किसी शेयर की है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज, जितने भी कैश फ्लोज हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ठीक है जी, सो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर सेल, अगर हम बेचते हैं तो ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, सो इसके हिसाब से अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें, मार्केट प्राइस पर शेयर अगर हम निकालें, इसको इनोमिनेट किया है डिनोमिनेटेड ई से, तो ये हमारा है डी जीरो 1+G अपॉन के ई माइनस जी, ये हमारा गॉर्डन का फॉर्मूला है, वेयर डी जीरो इज करेंट ईयर डिविडेंड, जी इज ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड,
एंड के ई आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर गॉर्डन ने फर्दर इस फॉर्मूले को डीपी मॉडल से डिफाइन किया। सो इन्होंने एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बनाया और यहाँ पर फिर हमारे तीन ऑप्शन जनरेट होते हैं। एक है जीरो ग्रोथ रेट, दूसरा है कांस्टेंट ग्रोथ रेट और तीसरा बनता है हमारा वेरिएबल ग्रोथ रेट। सो जीरो ग्रोथ रेट में क्या होगा, शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू पी जीरो इज इक्वल टू डी अपॉन के। आप इसमें जी की वैल्यू को जीरो कर दीजिए, आ जाएगा ये, ठीक है। कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट में फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो फॉर्मूला यही आएगा, पी जीरो इजिकल टू डी जीरो वन प्लस जी अपन के ई माइनस जी, और इसमें भी फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं अब हम उनको समझते हैं क्वेश्चन से। जो मैंने अभी समझाया वो देखे, ये इनके एजम्पशंस हैं, ये जो फॉर्मूला है वो है। इसके बाद जीरो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्वेश्चन ये है कि व्हेन देयर इज नो ग्रोथ कंपनी पे डिविडेंड दिस कॉस्ट ऑफ दिस व्हाट शुड बी द करंट मार्केट प्राइस। तो इसमें देखें पी जीरो इज इक्वल टू डी अपॉन के ई दैट इज 5.10 50 रुपीज़, ठीक है। फिर कांस्टेंट ग्रोथ रेट में फॉर्मूला है, नीचे क्वेश्चन दे रखा है, शेयर प्राइस हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख 10 ईच, इट डिस्ट्रीब्यूटेड करंट ईयर डिविडेंड ऑफ 20%, एनुअल ग्रोथ हमारी 2% है। अब इस केस में अगर हम प्राइस निकालें तो पी जीरो इज इक्वल टू डिविडेंड हमारा 2 रुपीज पर शेयर है, ग्रोथ रेट उन्होंने कहा था कि 2% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 15% है। जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो प्राइस आएगी पी जीरो की वो आएगी 15.69, ठीक है जी। और अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं जिसमें हमने वेरिएबल ग्रोथ रेट लिए, ठीक है। जब वेरिएबल ग्रोथ रेट होगी तो फिर क्या है, पढ़िए, वेरिएबल ग्रोथ रेट मींस मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल कैन टेक मेनी फॉर्म इवन एज्यूमिंग द ग्रोथ रेट इज हायर डिफरेंट फॉर एवरी ईयर, हाउएवर द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज वन दैट एज्यूम 3 डिफरेंट ग्रोथ रेट, ठीक है। जो तीन अहम ग्रोथ रेट एज्यूम कर लेते हैं जिसमें एक इनिशियली हाई ग्रोथ रेट, दूसरा ए ट्रांजिशनल स्लो ग्रोथ रेट एंड लास्टली अ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तीन ग्रोथ रेट हमने कैलकुलेट कर ली, मतलब उसके बेसिस पर हम फॉर्मूला यही लगा के कर सकते हैं, ठीक है। मतलब और पंक्चुएशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने, पढ़िए क्या लिखा है, अ फर्म हैड बीन पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 2 पर शेयर
the estimated growth rate is 5%. Determine the estimated market price of the shares if the estimated growth rate dividend is to risen to 8% or falls to 3%. Also find out the present market price of the shares given that the required rate of return in of the investor is 15.5%. Okay, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी दे रखी है क्वेश्चन में। तो अब ये वेरिएबल ग्रोथ रेट में हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं। ए हो गया जब ग्रोथ रेट आपकी 5% है, बी हो गया जब ग्रोथ रेट आपकी 8% है, और सी क्वेश्चन है जब ग्रोथ रेट 3% है। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में इन्होंने बता दिया है कि जो डी है, डी जीरो हमारा 2 रुपये पर शेयर है एंड के ई हमारा 15.5% है। तो तीनों केसेस में प्राइस इज इक्वल टू डी जीरो 1+G अपॉन के ई माइनस जी। तो इसमें 2 1+0.505 अपॉन 0.155 - 0.05, तो ये आएगा हमारा 2 रुपीज़ 10 पैसे अपॉन 20 रुपीज़। इस केस में 2 1+0.08 अपॉन 15.5% - 8%, तो ये आ जाएगा 2.16 अपॉन 7.5%। दिस कम्स टू 28.8। और इसमें जाते हैं 2 1+0.03 अपॉन 15.5 - 8%, दैट इज 2.06 अपॉन 12.5%। सो कितना आता है 2.06 डिवाइडेड बाई 12.5%, तो दिस कम्स टू 16.48%। सो तीनों ही केसेस में हमने वैल्यूएशन कर ली। तो वेरिएबल ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ग्रोथ रेट या आपका जीरो ग्रोथ रेट, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, जी की वैल्यू चेंज करिए इसमें और आंसर आएंगे, ठीक है। चलिए गॉर्डन फॉर्मूले को थोड़ा सा और फर्दर एक्सटेंड हम करेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाता है पी जीरो इज इक्वल टू ई 1 - बी अपॉन के माइनस बी इंटू आर, वेयर बी इज द रिटेंशन रेशियो एंड B into R is equal to G, that is growth, and R is internal rate of return या return on investment। तो कई फॉर्मूले में हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो हमारे लिए गॉर्डन के दो फॉर्मूले रहेंगे, एक ये, दूसरा डी जीरो 1+G अपॉन के ई माइनस जी। डिपेंड करेंगे कि हमें डाटा कौन सा दिया है, उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोनों कर दिए हमने गॉर्डन्स के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
ट्रेडिशनल मॉडल जो हैं हमारे, जिसमें ग्राम एंड डॉट मॉडल है एंड लिंटर मॉडल है, इनके सिंपल से फॉर्मूले दिए रहेंगे और उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो ग्राम एंड डॉट मॉडल क्या कहता है समझ लीजिए। ग्राम एंड डॉट मॉडल कहता है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एम डी प्लस ई अपॉन थ्री, वेयर डी इज डी पी एस, ई इज ई पी एस एंड एम जो है वो एक मल्टीप्लायर है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, इफ ई पी एस इज 30, डी पी इज 60%, एम इज 2, ई पी एस इज 30, डी पी दे रखा है 60%, सो डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगी 30 का 60% यानी कि 18, एंड एम इज इक्वल टू 2 रुपीज, तो पी क्या निकलेगा 2 × 18 + 30/3, तो दैट कम्स टू हाउ मच 56, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, मार्केट प्राइस दे रखी है, डीपी दे रखा है, मल्टीप्लायर दे रखा है, हमें ईपीएस निकालना है। चलिए, सो पी इज इक्वल टू एम डी प्लस ई अपॉन 3, ये हमें दे रखी है 58.33, मल्टीप्लायर दे रखा है हमें 7, डिविडेंड दे रखा है 5 + e/3, तो इसको देखेंगे 58.33 = 7, 15 + e/3, ठीक है। और सॉल्व करें, सो 15 + e = 58.33 × 3/7, तो 58.33 × 3 करेंगे, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, सो दैट कम्स टू 25 रुपीज़, और ई पी एस हमारी आ गई 10 रुपीज़, ठीक है। सो डी पी रेशियो कितना आ गया हमारा 50%, पूछा नहीं है बट मैंने कर दिया इसको, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा है लिंटर मॉडल, ठीक है। चलिए लिंटर मॉडल को देखते हैं। लिंटर मॉडल क्या कहते हैं इसको समझ लीजिए। लिंटर मॉडल कहते हैं D1 इज इक्वल टू D0 EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू AF का मतलब है एडजस्टमेंट फैक्टर, लिख देते हैं। D0 इज का मतलब है डिविडेंड इन लास्ट ईयर, D1 का मतलब है डिविडेंट इन करंट ईयर, EPS का मतलब है अर्निंग पर शेयर, एंड AF का मतलब है एडजस्टमेंट फैक्टर्स। तो अगर मल्टीप्लाई फैक्टर है तो ग्राम डॉट, और अगर एडजस्टमेंट फैक्टर है तो आपका लिंटर मॉडल है। हर एक का कोई ना कोई हिंट आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखें। गिवन द लास्ट ईयर डिविडेंड इज 9.8, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट इज 45%, टारगेट पे आउट रेशियो इज 60%, एंड ईपीएस इज दिस, कैलकुलेट करंट ईयर्स डिविडेंड। फॉर्मूला लगा देंगे, D1 इज इक्वल टू लास्ट ईयर का डिविडेंड हमारा 9.8 है, प्लस
करंट ईयर की ईपीएस है 20 और डीपी रेशियो हमारा 60% है। एडजस्टमेंट फैक्टर 45% है। तो इसके बेसिस पर हमारी करंट ईयर की जो डिविडेंड आएगी वो 10 रुपीज़ 79 पैसे आएगी। ठीक है। सो लिंटर मॉडल हैज़ टू पैरामीटर, द टारगेट पे आउट रेशियो एंड द स्प्रेड एट विच करंट डिविडेंड एडजस्टेड टू द टारगेट। जोहन लिंटर वेज दिस हिज मॉडल ऑन अ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज विच ही कंक्लूडेड कंडक्टेड विद द कॉर्पोरेट मैनेजर इन द मिड 1950s। ओके, ये उनकी एजम्पशंस हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट हम लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट है हमारा स्टॉक स्प्लिट का। स्टॉक स्प्लिट आप लोगों ने अकाउंट्स में रीस्ट्रक्चरिंग में पढ़ा होगा, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। स्टॉक स्प्लिट कोई नहीं है, एक शेयर को मल्टीपल शेयर में स्प्लिट कर देना। कंसोलिडेशन इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कंपनी है, उसके पास 10,000 शेयर्स हैं या 1,00,000 शेयर्स हैं ऑफ 10 रुपीज़। व्हाट ही कैन, उसने क्या ऑप्शन किया कि हम अपने 10 रुपये के शेयर को 2 रुपये में स्प्लिट कर देते हैं। तो एक शेयर जो 10 रुपये का है वो 5 शेयर 2 रुपये के बन जाएंगे। तो जो उसके पास अभी 1,00,000 शेयर है वो 5,00,000 बन जाएंगे। चलिए, स्टॉक स्प्लिट मीन्स स्प्लिटिंग वन शेयर इंटू मैनी। से 1 शेयर ऑफ 5 रुपीज़ इंटू 5 शेयर ऑफ 100। स्टॉक स्प्लिट इज़ अ टूल यूज बाई कंपनी टू रेगुलेट द प्राइज ऑफ द शेयर। दैट इज, इफ द शेयर प्राइज इंक्रीजेज बियॉन्ड द लिमिट इट मे बिकम अ लेस ट्रेडेबल। फॉर आर सपोज अ कंपनी शेयर प्राइज इंक्रीजेज फ्रॉम 50 to 1,000, इट इज़ पॉसिबल दैट इट माइट गोज आउट ऑफ द रेंज ऑफ द मैनी इन्वेस्टर। सो एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक मैंने देखा था, कोई कंपनी है उसका शेयर MRF का शेयर 40,000 रुपये हो गया है। अब 40,000 रुपये में उसे कौन खरीदेगा? ठीक है ना, इससे अच्छा है उस शेयर को स्प्लिट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये हमने समझा आपका डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर। मैं एक बार रिकैप कर देते हैं। डिविडेंड डिसीजन में हमने जो पढ़ा है और जो हम समझाना चाह रहे थे, डिविडेंड डिसीजन आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से जो आपके मेन कोर पिलर हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें से वन ऑफ द कोर पिलर है। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ फाइनेंसिंग डिविडेंड डिसीजन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड कंपनी के द्वारा अर्न किया हुआ प्रॉफिट होता है, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है, अपने पास रख भी सकती है। ठीक है, फिर हमने डिविडेंड के ऑब्जेक्टिव बताए कि भाई डिविडेंड का पर्पज़ क्या है, क्या पॉलिसीज़ हैं। तो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, एक आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन है तो फिर उसे आप रिटेन भी कर सकते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जब आप डिविडेंड पे करते हैं तो उससे शेयर प्राइस बढ़ती है और वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। फिर हमने आपको डिविडेंड के फॉर्म बताए कि फॉर्म डिविडेंड का क्या होता है। डिविडेंड में हम कैश डिविडेंड भी दे सकते हैं और स्टॉक डिविडेंड भी दे सकते हैं। कैश डिविडेंड में नगद देना, स्टॉक डिविडेंड में इन अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years आप उसे शेयर के फॉर्म में, बोनस शेयर के फॉर्म में दे सकते हैं। फिर हमने आपको रिलेशनशिप बताई डिविडेंड की और ग्रोथ की। ठीक है, तो G=V×R है। रिटेंशन रेशियो जितना ज़्यादा होगा ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। फिर डिविडेंड डिसीजन के जो डिटर्मिनेंट हैं पॉलिसीज़ के, उसमें ये बताया हमने कि ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर हमने थ्योरीज बताई आपको कि थ्योरीज में आपकी डिविडेंड थ्योरीज में रेलेवेंस और इररिलेवेंस थ्योरी चलती हैं, जिसमें MM अप्रोच मोडिग्लियानी ब्लर अप्रोच आपकी इररिलेवेंस है, जो ये कहती है कि डिविडेंड दो अथवा नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल्स हमने समझा, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल्स के। ठीक है, फिर हमने इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी करते गए। जैसे वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला आपका ये है, वॉल्टर मॉडल ने ये बताया कि अगर आपकी आर जो है वो आपकी के ई से कम है तो कंपनी को 0 डिविडेंड पेआउट देने चाहिए। अगर आर इज़ ग्रेटर देन के ई है तो 0 DPA और आर इज़ लेस देन के ई है तो 100% DPA दे सकते हैं। इसी के बेसिस पर फिर हमने गॉर्डन मॉडल्स किया। गॉर्डन मॉडल्स कुछ नहीं है, वो कहता है जो भी पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी मार्केट प्राइस है। ये उन्होंने फार्मूला दिया था D0+1+G / KE-G। ठीक है,
इसके बाद इन्होंने तीन ऑप्शन दिए, जीरो ग्रेथ, कॉन्स्टेंट रेट और वेरिएबल ग्रोथ। फिर हमने ग्राहम एंड डॉड का मॉडल समझा। इसमें फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम डी प्लस ई वाई थ्री, वेयर एम इज बेसिकली या मल्टीप्लायर है। फिर हमने लिंटर मॉडल समझा। लिंटर मॉडल में डी वन इज इक्वल टू डी जीरो प्लस ई पी एस इंटू डी पी रेशियो माइनस डी जीरो इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। और इसके बाद हमने स्टॉक स्प्लिट कंसेप्ट समझा। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, जब एक शेयर को हम मल्टीपल शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो स्टॉक स्प्लिट होता है। ये इसलिए करते हैं, जैसे कोई शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है तो अब आम आदमी उसे नहीं खरीदेगा, तो उसके लिए फिर क्या है, उसे स्प्लिट कर देते हैं, कम प्राइस कर देते हैं, फिर वो ट्रेडेबल शेयर बन जाता है। सो फ्रेंड्स, वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड डिसीजन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराएंगे, वो आपको उससे और समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।